Hello students, in today's session we will be looking into the words which I have taken from the Hindu newspaper. What I used to do is I used to take some words from the Hindu newspaper which I think you should know the meaning of, and I share those words with you so that the guys who don't have an opportunity or don't get any time to read the Hindu newspaper can go through this video and can have an idea of some words on a daily basis, which will definitely improve their vocab section in a long run. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is maraud. It means go about in search of things to steal or people to attack, raid and plunder. जैसे आप कोई चीज खोजने के लिए जाते हो, जो चीज अगर वो चीज खोजने के लिए आपको किसी पे अटैक करना पड़ता है या फिर किसी को सर्च करना पड़ता है. जैसे आपके घर में कोई रेड पड़ गया तो वो होता है कि सीबी टैक्स वाले आते हैं आपके घर में देखने के लिए कि हाँ आप कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं. वो एक सर्च ऑफ थिंग पे आते हैं और वो उससे क्या होता है, आपके ऊपर अटैक होता है कि आपका घर कोई छानबीन करने वाला है. तो जो रेड होता है किसी के घर पर, डैट इज़ कॉल्ड मराड. फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंड्स ऑफ रॉबर्स क्रॉस द रिवर टू मराड. बहुत सारे रॉबर्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं बैंड्स ऑफ रॉबर्स. उन लोगों ने किसी के घर पे हमला करने के लिए रिवर को क्रॉस किया. सिनोनिम्स है प्लंडर, गो लूटिंग. एंटोनिम्स है गार्ड, प्रोटेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज बैंटर. इट मीन्स द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स. मीन्स जो हम एक दूसरे को बोलते हैं हंसी मजाक में, आपस में फ्रेंड्स नॉर्मली एक दूसरे को टीज करते हैं लेकिन वो मजाक में करते हैं. That is called banter. For example, there was much good natured banter. वहाँ ऐसा बहुत सारा होता है कि हम हंसी मजाक में कुछ words बोलते हैं, friendly exchange, tease करते हैं, और एक होता है जो दुश्मनी में tease करते हैं. That is not called banter. लेकिन जब आप किसी को हंसी मजाक में tease करते हो, that is called banter. Synonyms हैं wise cracks, cross talk, word play. Antonyms हैं tease, chaff, jest. Next word is reverberate. It means be repeated several times as an echo. जैसे आप कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है या फिर आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट बैक करती है, आपने जो बोला वो आपको वापस से सुनाई देता है, डैट इज़ कॉल्ड echo. और वो बहुत बार होता है तो डैट इज़ कॉल्ड reverberate. Synonyms हैं resound, echo, repeat, resonate, pulsate, vibrate. Antonyms हैं dampen, deaden, dull, quiet. इसका example है her deep booming laugh reverberated around the room. उसने जो हंसा उसका echo पूरे room में हो रहा था. Next word is sobriquet. That means a person's nickname. Means कोई भी इंसान है उसका आप nickname रख देते हो. Means आपको, आप अगर उसको उस नाम से भी बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप उसको ही बुला रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस चार्म्स हैव अर्न द टेलीविजन शोज होस्ट सोब्रिक्वेट द थिंकिंग वुमेन्स हार्ट थ्रो. जो ये शो का होस्ट है उसका निकनेम हो गया है द थिंकिंग वुमेन्स हार्ट थ्रो. तो ये उसका एक निकनेम हो गया है. सिनोनिम्स हैं अलायस, बाय नेम, कॉग्नोमेन, एपिथेट. एंटोनिम्स हैं नेम, ट्रू नेम. Next word is skulduchery. It means underhand, unscrupulous or dishonest behavior or activities. Means कोई भी आपका खराब काम या फिर आपकी खराब हरकतें जो कि छुपा के हम करते हैं. For example, a firm that investigates commercial skulduchery. Means एक ऐसा firm है जो investigate करता है कि कौन सा firm गलत काम कर रहा है, गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है सबसे छुपा कर. सिनोनिम्स हैं ट्रिकरी, स्विंडलिंग, फ्रॉडलेंस. एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी, ट्रैक्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो.